इन बच्चों, वेलकम इन हिंदी क्लास। आई एम हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम सब हिंदी नवनीत का हवा, मिट्टी और पानी पाठ पढ़ेंगे। आज चारों ओर प्रदूषण फैला हुआ है, प्रकृति के सभी तत्व भी दूषित हो रहे हैं। इसी समस्या को आधार बनाकर हवा, मिट्टी और पानी एक दूसरे से अपनी अपनी व्यथाएं संवाद के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले मिट्टी हवा से पूछती है, हवा रानी, आपको क्या हो गया है? पहले जब आपका शीतल मंद सुगंध भरा झोंका आता था तो मेरा अंग अंग आनंद की तरंग में झूम जाता था, किंतु अब आप अपने साथ बदबू लाती हैं, इससे मेरा तन मन और मस्तिष्क बेचैन हो जाते हैं। हवा मिट्टी को उत्तर देती है, मिट्टी बहन, मैं क्या करूं? जब मनुष्य ही प्रकृति के विनाश पर उतर आया है, उसने मुझ में भी दुर्गंध भर दी है। वह नहीं जानता कि यह दुर्गंध उसके जीवन के लिए भी विष है। मिट्टी हवा से कह रही है, आखिर मानव ऐसा दुष्कर्म क्यों कर रहा है? प्रकृति तो मानव की आजीवन सेवा करके पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखती है। जल भी अपनी इस व्यथा से बहुत परेशान है और वह भी अपनी परेशानी को अभिव्यक्त करते हुए कहता है, अगर आज्ञा हो तो मैं इसका कारण बताऊं। आह, मिट्टी कहती है, अरे जल भैया, यह तो बताओ आप कराह क्यों रहे हैं? पानी बोलता है, मिट्टी बहन, आदमी ने जलाशयों के पानी को प्रदूषित कर दिया है। इंसान ने जगह जगह बड़े बड़े कल कारखाने लगाए हैं। इनमें विविध प्रकार का सामान तैयार होता है, किंतु इन कारखानों का मलबा नदी नालों को ही प्रदूषित करता है। हवा बोल रही है, इतना ही नहीं, आज जनसंख्या भी बढ़ गई है। उनके द्वारा बहाई गई गंदगी इन्हीं नदी नालों में आ रही है। बड़े बड़े शहरों के गंदे नाले नदियों में मिल गए हैं। पानी बोलता है, हाँ बहन, कारखानों की चिमनियों का धुआं वायु प्रदूषित कर रहा है। मिट्टी फिर बोलती है, मैं भी कहाँ पवित्र रह गई हूँ, मुझ पर कीटनाशक छिड़क छिड़क कर मुझे भी विषैला बना दिया गया है। पानी बोलता है, हमको तो विवश होकर प्रदूषण का विष पीना ही पड़ेगा। पर्यावरण को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखना तो मानव का धर्म है। फिर मिट्टी बहन बोलती है, इस तरह तो आदमी अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। वह अपने थोड़े लाभ के लिए अपने जीवन को मौत के मुंह में ढकेल रहा है। हवा मिट्टी को ढांढस बांधते हुए कहती है कि मिट्टी बहन, निराश मत हो, कुछ बच्चे और अच्छे लोग पर्यावरण के विषय में सावधान हैं। कुछ आदमी पेड़ों को काट रहे हैं, पर कुछ बच्चे व संस्थाएं वृक्षारोपण भी कर रहे हैं। मिट्टी बहन कहती है, अच्छा है, मगर बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। बालकों और बुद्धिमान व्यक्तियों के हाथों में ही पर्यावरण सुरक्षित रह पाएगा। तो देखा बच्चों, आज हवा, मिट्टी व पानी, प्रकृति के ये तीनों तत्व प्रदूषित हो गए हैं, जिन्हें प्रदूषित करने का पूरा श्रेय हम मानव को ही जाता है। लेकिन यदि आप सब स्वयं एवं दूसरों को भी प्रेरित कर इस प्रदूषण को रोकें व अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, तो पर्यावरण को शुद्ध रख सकते हैं।